हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड सो यू आर फेसिंग दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आई एम शोइंग यू। तो आप जो है तो आप इस तरह का प्रॉब्लम को फेस करते होंगे। तो ये आप देख सकते हैं हिल क्लाइंबिंग रेसिंग, इसको मुझे डाउनलोड करना है और मैं इधर फिर लॉन्च करता हूँ या री इंस्टॉल करता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम आ रहा है चेक योर अकाउंट। सो ये प्रॉब्लम को हम लोग परमानेंटली सॉल्व कैसे करें, और मैं 100% श्योर हूँ कि ये प्रॉब्लम को आप अपने पीसी या लैपटॉप में सॉल्व कर सकते हैं। आपका माइक्रोसॉफ्ट के वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है और ये इरर आ रहा है, तो ये इरर को आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो ये गेम जो है, एक गेम मेरा इंस्टॉल नहीं हो पा रहा है। इंस्टॉल होने के पहले, इंस्टॉल हो भी गया तो भी ये ओपन नहीं हो रहा है, ओपन होने के पहले ये शो कर रहा है। तो इसको हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो है आपको आपका डेट और टाइम सेट करना पड़ेगा। आपको चेक करना पड़ेगा आपका डेट और टाइम सही है कि नहीं। अगर आपका डेट और टाइम राइट नहीं है तो आप अपना डेट और टाइम करेक्ट कर लीजिए। सेटिंग में जाके जो आपका करेंट डेट और टाइम चल रहा है वो कर लेना है। डेट और टाइम आप चेक करने के बाद आपको सबसे पहले आपका माइक्रोसॉफ्ट खोलना है। माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर जो है आपका, माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर आपको खोल लेना है। और माइक्रोसॉफ्ट प्ले स्टोर जैसे ही आपका ओपन हो जाता है उसके बाद आपका इधर आईडी दिख जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट आपका ये, फिर आपको साइन आउट कर लेना है। आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है उसमें से आपको साइन आउट कर लेना है। और उसके बाद जैसे ही आप साइन आउट हो जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट से, साइन आउट होने के बाद आपको इधर से कैंसिल कर लेना है। कैंसिल करने के बाद आपने अभी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट प्ले स्टोर से साइन आउट ले लिया है। उसके बाद आपको सिंपली आपके स्क्रीन पे सेटिंग खोल लेना है। तो मैं नॉर्मली सेटिंग में क्लिक करूँगा। तो इधर सेटिंग है, सेटिंग में आपको क्लिक करना है और आपके पीसी या लैपटॉप का सेटिंग ओपन करना है। तो सेटिंग ओपन होने के बाद आपको सिंपली इधर ऐप्स में जाके, आपको ऐप्स में जाना है। ऐप्स में जाने के बाद आपको इधर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ऐप्स एंड फ्यूचर्स। तो ऐप्स एंड फ्यूचर्स में आपको क्लिक करना है। ऐप्स एंड फ्यूचर्स में क्लिक करने के बाद आपको इधर टाइप करना होगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो इधर मैं टाइप करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर क्लिक करने के बाद आपको उसमें क्लिक करना है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर आने के बाद आपको इधर थ्री डॉट्स दिया रहेगा या फिर आपको डायरेक्टली एडवांस ऑप्शन दिया रहेगा, तो एडवांस ऑप्शन में क्लिक करना है। नहीं तो थ्री डॉट्स दिया रहेगा तो थ्री डॉट्स को क्लिक करके आप एडवांस ऑप्शन में जा सकते हो। तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का एडवांस ऑप्शन में जाना है। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का एडवांस ऑप्शन में जाते हो उसके बाद जो है आपको स्क्रोल डाउन करना है, स्क्रोल डाउन करना है। स्क्रोल डाउन करने के बाद आपको इधर ऑप्शन आया होगा इफ दिस ऐप इजंट वर्क राइट रीसेट इट द ऐप डाटा विल बी डिलीटेड। तो इसमें कोई रीसेट पूरा आपका पीसी नहीं होगा, जो माइक्रोसॉफ्ट में पहले से ऑलरेडी हम लोग ने साइन आउट कर लिया है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका उसका अंदर का माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का जो प्रोसेसर है वो ही थोड़ा रीसेट होगा और कुछ नहीं, तुरंत ही हो जाएगा। तो आपको इधर रीसेट कर लेना है। तो इसमें मैं रीसेट में क्लिक करता हूँ और इधर भी मैं रीसेट को क्लिक करता हूँ। तो अभी मेरा ये रीसेटिंग हो रहा है। तो ये रीसेट करने के बाद आपको आपका कंप्यूटर या लैपटॉप स्क्रीन भी रीसेट नहीं करना है। आपको आपका कंप्यूटर और ये भी आपको है ना रीस्टार्ट करना है, रीस्टार्ट। तो नॉर्मली इधर मेरा टिक आ गया है इफ दिस ऐप इजंट वर्किंग, इधर मेरा टिक आ गया है, इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट स्टोर जो है मेरा आराम से हो गया है वर्किंग प्रोसेसर। उसके बाद मैं भी आपको बताता हूँ उसके बाद आपको क्या करना है। आपका कंप्यूटर स्क्रीन जो है शट डाउन करके ऑन करना है या फिर रीस्टार्ट करना है सिंपली। तो मैं इधर रीस्टार्ट करूँगा। तो नॉर्मली आपको आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट करना है। तो सिंपली आपको आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपका कंप्यूटर, आप रीस्टार्ट करने के बाद ऑन करते हो। ऑन करने के बाद फिर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके फिर साइन इन करोगे, उसके बाद आपका वो प्रॉब्लम जो है 100% सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसको रीस्टार्ट करूँगा। तो मैंने ये कंप्यूटर अपना रीस्टार्ट कर दिया है। तो रीस्टार्ट करने के बाद अभी मैं सिंपली अपना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करता हूँ। तो अभी इधर से मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन कर देता हूँ। रीसेट हो गया है मेरा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। तो मैंने अपना कंप्यूटर भी रीस्टार्ट कर दिया। तो रीस्टार्ट करने के बाद मैं अपना माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन करता हूँ। तो इधर से मैं माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो रहा है। जैसे ही मेरा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर ओपन हो जाएगा उसके बाद जो है मैंने इधर साइन इन कर लूँगा। तो मेरा इधर साइन इन हो चुका है। रिस्टार्ट करने के बाद मैंने इधर साइन आउट कर दिया था, अभी साइन इन हो चुका है इधर।
तो उसके बाद साइन इन होने के बाद सिंपली मैं फिर अभी चलूँगा अपने गेम पर। जो मेरा तभी इशू आ रहा था वो इशू अभी मैं देखता हूँ कि फिर से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी मैं इधर चलता हूँ, फिर अभी मैं अपना चलता हूँ हिल क्लाइंबिंग रेसिंग। यही गेम मुझे डाउनलोड करना था बट नहीं हो रहा था तो इधर आ रहा था। तो अभी मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ और अभी मैं देखता हूँ कि ये लॉन्च हो रहा है कि नहीं। सो अभी मैं इधर लॉन्च में क्लिक करता हूँ, बाद ये ओपन हो चुका है और ये स्टार्ट हो रहा है ये गेम। सो इधर से मैं स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद आप इधर बटन दबा के क्लिक करके इसको खेल सकते हो। तो इस तरह से आप जो है ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। सो आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को कर दीजिए लाइक।